था कि एकदम कोडिंग डिकोडिंग का बेस से बताएंगे। एक बच्चे ने कमेंट भी किया कि सर आप जो है कोडिंग डिकोडिंग में ये नंबर लिखते हो 16, 8, 17 जो प्लेस वैल्यू होता है वो कैसे होता है, इसका टेबल दे दीजिए मैं याद कर लूंगा। बच्चा ये याद करने की चीज नहीं है, ठीक है, इसे अभ्यास करो, प्रैक्टिस जितना करोगे अपने आप आ जाएगा। ठीक, मैं कोई भी चीज ये नहीं कहूंगा कि तुम इस चीज को याद करो, रटो, रटना नहीं, उस पर प्रैक्टिस करो इतना कि वो तुम्हें याद हो जाए कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या। वो मैं सब कुछ बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि अब जो क्लास शुरू होगा वो जीरो से एडवांस शुरू होगा। तो जीरो से एडवांस का मतलब आपका पूरा का पूरा कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछे जा सकते हैं, सब बताऊंगा। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, कोडिंग डिकोडिंग। इसका मतलब क्या होता है ये पहले जान लो, कोड का मतलब और डिकोड का मतलब। ठीक, कोडिंग का मतलब ये होता है, सिंपल भाषा में बोला जाए तो आपको कोई भी अगर मीनिंगफुल वर्ड है उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे हो जिसका कोई अर्थ ही ना निकले, उसी को कोडिंग कहते हैं। इस सब चीज के फेमिलियर तो आप लोग हो गए बाद में, जैसे बचपन में तो नहीं कह सकते हैं, जब आपके पास मोबाइल आया होगा, ठीक है, तो जब अपने मोबाइल का पासवर्ड तुम लोग सेट करते हो तो किसके किसके नाम से कैसा कैसा पासवर्ड बना लेते हो तुम ही लोग जानते होगे। तो वो क्या हुआ, वो तुम्हारे दिमाग के हिसाब से उसका कोड किए कि इस नाम को मैं इस नंबर में कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो गया, उस चीज को चेंज कर दे, उस इंफॉर्मेशन को चेंज कर दिए, तो वो क्या हो गया, आपका कोडिंग हो गया। अब डिकोड कौन कर पाएगा उसको, मतलब फिर से वो कोई भी अगर आपका मोबाइल है तो आपका मोबाइल कौन खोल सकता है, आप खोल सकते हो, क्योंकि आपको ही पता है कि हम जिस नंबर से इसको कोडिंग से मतलब जिस पासवर्ड जो सेट किए हैं वो मेरे हिसाब से सेट है, दूसरा नहीं। दूसरा वही कर सकता है जो आपके बहुत क्लोज हो, आपका हित मित्र हो, तो इसीलिए मित्रों से बहुत ज्यादा क्लोज ना होना, नहीं तो सब प्राइवेसी तुम्हारा लीक कर देंगे। अब इसमें जो हमें चाहिए क्या क्या, तो हमसे ये नहीं पूछता, यहां पर ऐसा नहीं होता है कि आपको कोड करके दे दिया गया और आपको उसका आंसर ही ना निकाल पाओ। कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोले इसे तो बोलते हैं साइफर और डिसाइफर, एक लैंग्वेज होती है, मगर उसमें क्या होता है कि जब कोडिंग किया जाता है तो बहुत प्राइवेटली बहुत सिक्योर कोडिंग किया जाता है, उसमें कोई उसे जब तक उसका पब्लिक की उसके पास ना होगा तो वो उसका कोड तोड़ नहीं सकता है। मगर यहाँ ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोड करके एग्जामिनर दे दिया तो आप आंसर ही नहीं निकाल पाओगे। यहाँ एक ऐसा पब्लिक कोडिंग किया जाता है कि जिसका सबको सबके पास की होता है कि उसे जल्दी से जल्दी डिसाइफर कर लोगे, मतलब डिकोड कर लोगे, इंफॉर्मेशन वहां से निकाल लोगे कि कैसे वो कोड किया गया है। ठीक, तो इसमें कोडिंग और डिकोडिंग में मेन जरूरत आपकी ये है कि अल्फाबेट से रिलेटेड होता है पूरा। इसके टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं कि कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे यहां पूछता है। ठीक, तो जो टाइप ऑफ क्वेश्चन में चलेंगे तो पहला आपका जो टाइप बनता है इससे कोडिंग डिकोडिंग से वो होता है लेटर टू लेटर कोडिंग, लेटर टू लेटर कोडिंग। ये आपसे एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है, और जितने मैंने एग्जाम्पल आपको कराए उसमें लेटर टू लेटर भी था, लेटर टू डिजिट भी था, लेटर टू सिंबल भी था। दूसरा आपका होता है लेटर टू नंबर, जो मैंने आपसे कराया है, लेटर को नंबर में कोड कर दिया जाएगा। तीसरा आपका होगा कि लेटर को सिंबल में कोड कर दिया जाएगा, लेटर टू सिंबल, कोई भी चिन्ह में, डॉलर में, ठीक है, हैश में, एट द रेट में, कोई भी चिन्ह जो भी होगा उस सिंबल में इसे कोड किया दिया जाएगा। चौथा होता है आपका लेटर टू सिंबल हो गया, उसके बाद से इसमें आपका वर्ड आ जाता है, वर्ड टू वर्ड कोडिंग। वर्ड टू वर्ड कोडिंग वो होती है जो दिया रहता है लंबा सा एक स्टेटमेंट दिया रहेगा कि राम इज अ गुड बॉय, ठीक, और इसे कोड कर देगा एक छोटे से लेटर में कि इसका कोड हो गया BACADA ऐसे, फिर एक स्टेटमेंट देगा, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड होता है, वर्ड टू वर्ड होता है, ये स्टेटमेंट बेस्ड होता है, इसमें कॉमन करके हम लोग आंसर निकालते हैं। ठीक, उसके बाद से आपका होता है इसी में कंडीशनल बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, कंडीशनल बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। इस कंडीशनल बेस्ड में क्या होता है
कंडीशनल बेस्ड में आपको पूरा एक कंडीशन दिया रहेगा, पूरा एक चार्ट दिया रहेगा, उसमें कंडीशन दिया रहेगा कि अगर आपका पहला लेटर इवन हो चाहे ऑड हो तो उसको इससे डॉलर के साइन से रिप्लेस करना है, चाहे वॉवेल हो पहला लेटर या कॉन्सोनेंट हो तो आपको इस साइन से रिप्लेस करना है, तो कंडीशन बेस्ड हो जाता है। छठवां आता है आपका एक मैट्रिक्स, वो भी एक कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये जो है एसएससी पूछती थी 2017 तक, जब से एसएससी का जो वेंडर बना टीसीएस, तो ये मैट्रिक्स जो है गायब हो गया। तो ये नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको मैट्रिक्स गायब हो गया तो वो आएगा नहीं, किसी एग्जाम में आ भी सकता। तो इसके बेसिक इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इतने टाइप से कोडिंग डिकोडिंग होती है। अब इस कोडिंग डिकोडिंग में आपको लेटर टू लेटर में पूछोगे सर लेटर टू लेटर क्या होता है, लेटर टू लेटर वही होता है भाई, एक एक लेटर चेंज हो चाहे ना चेंज हो, उसकी पोजीशन चेंज हो, जैसे लिखा है यहाँ टेबल सपोज करो, ठीक। अब टेबल लिखा है तो हो सक ये एक एक लेटर जो है इसका हो सकता है किसी और लेटर में चेंज हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, उसमें बढ़ जाए या घट जाए, या हो सकता है इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो चेंज हो जाए, रिवर्स में हो जाए। तो यही होता है लेटर टू लेटर। तो पहले हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग, फिर उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे पहले टाइप से, क्योंकि लेटर टू लेटर में भी कई टाइप होंगे। लेटर टू लेटर में भी आपका सिंबल से रिलेटेड, मतलब आपका एक सिंपल होगा जिसमें सिर्फ पोजीशन चेंज होगा, एक लेटर टू लेटर कोडिंग में एक और टाइप होगा जिसमें आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, मतलब बढ़ेगा उसी में लेटर में, कोई किसी एक कॉमन संख्या से चाहे एक हो चाहे प्लस टू हो उससे करके इंक्रीमेंट करेगा या माइनस में जाएगा, या दोनों का मिक्स एक सीरीज चलेगा, कुछ भी मतलब चल सकता है। तो उसी में लेटर टू लेटर वाले में पहला ए टाइप हम पढ़ेंगे, उसमें पोजीशन का चेंज होना। तो पोजीशन का चेंज होने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि सभी ये जो है आपकी कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट्स पे बेस्ड है, तो अल्फाबेट्स पे बेस्ड है, उसके लिए अल्फाबेट्स के हमें नंबर याद होने चाहिए। नंबर मतलब क्या, प्लेस वैल्यू, कि ये प्लेस वैल्यू क्या है वो पहले समझ लो, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत डाउट है कि प्लेस वैल्यू है क्या। चलो देखते हैं प्लेस वैल्यू है क्या। उसके लिए क्या करो, जो अल्फाबेट्स जिसको एबीसीडी तो सबको आती होगी, अगर एबीसीडी नहीं आती है तो फिर क्या पढ़ना, ठीक है। चलो इसे रफ करते हैं फिर देखते हैं। अब मैं जैसे बताऊंगा आपको एबीसीडी लिखना, बाकी तो आप लोग लिखे ही हो गए बचपन में, वैसे लिखना है मेरे हिसाब से। देखो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम पे लाके यहां रोक दो, ठीक है। उसके बाद इसके जस्ट नीचे से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो जब भी जाओ एग्जाम में, अगर याद नहीं है प्लेस वैल्यू तो पहला क्या हम कहा करो कि कहीं भी एक पेपर जब मिलता है उससे पहले कहीं छुपा के ये नंबर पूरा पूरा ये एबीसीडी लिख लो और इसकी नंबरिंग कर दो। प्लेस वैल्यू क्या होती है, देखो नंबरिंग ही होती है, टोटल 26 लेटर होता है, ए से शुरू होता है तो हम ए को वन दे देते हैं, ये एक ही क्या हो गई, प्लेस वैल्यू हो गई, ठीक। एक नंबर पे आता है इसीलिए इसको कहते हैं इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, वन है। बी कितने पे आएगा, दो पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू दो, तो ऐसे इसकी नंबरिंग कर दे देंगे, तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, और यहां से लास्ट है 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। तो ये आपका जब भी करो कोडिंग डिकोडिंग ये लिख लो, जब चैप्टर लगाने बैठो तो वहां पे एक कोने में एक पेज पे पूरा बना लो ऐसे एबीसीडी और लिख लो। अब कहोगे इसके बाद कहीं होता है, तो ये एक सर्किल में चलता है, देखो यहां से शुरू होगा एबीसीडी, एम के बाद यहां एन आएगा, एन के बाद फिर यहां जेड जैसे आएगा, फिर से ए से शुरू हो जाएगा, एक ये पूरा का पूरा इस डायरेक्शन में ये चलता है घड़ी के दिशा में, ऐसे पूरा का पूरा ये
सर्कुलेट करता है। तो यही इसकी प्लेस वैल्यू है। यही जब मैं आपको क्वेश्चन कराता था तो डायरेक्ट बोलता रहता था मेरे साथ, बोलो प्लेस वैल्यू इसकी क्या होगी। तो प्लेस वैल्यू वही है, देखो इसकी पी की 2 होती है, सी की 3 होती है। तो इसे याद करने का देखो कोई ट्रिक नहीं है, मेन ट्रिक क्या है आपको कि इस पे प्रैक्टिस करना है। वो कैसे होगा, जब भी आप क्वेश्चन करो सामने रख लो, देखते रहो उसे और बोलते बोलते सभी लेटर की नंबरिंग करो तो अपने आप याद हो जाता है। कुछ लोग बताते हैं कि आप इजोटी याद कर लो, मगर मैं नहीं कहूंगा ये इजोटी याद करो, इसलिए कि यहाँ पे देखो तुम्हें उतना मेहनत करना ही पड़ेगा। ये 5 पे आएगा, 10 पे आएगा, 15 पे आएगा, 20 पे आएगा, 25 पे आएगा। फिर सोचोगे अगर यहाँ पे आ गया एक्स तो क्या होगा, तो तुम पहले सोचो आप उस पर इतना प्रैक्टिस कर लो कि पहले ही आपको पता हो कि एक्स क्या किस पोजिशन पे आता है। अब इसमें और कुछ बातें हैं, जैसे ये सीरीज बनी है, मैंने एबीसीडी लिखा है, इसमें आपको जो दिख रहा है यहाँ पे देखो 13 और 14, ऐसे मैंने क्यों आपसे एबीसीडी लिखवाया, आप लिखे होंगे एक लाइन में वो नहीं चलेगा, ऐसे इसलिए लिखवाया कि आपको देखो जो आमने सामने एक दूसरे के पढ़ रहे हैं, जैसे ए के जस्ट नीचे क्या पढ़ रहा है, जेड पढ़ रहा है, तो ये जेड क्या है इसका अपोजिट पेयर है, ए का अपोजिट पेयर जेड है। मैंने एक सवाल कराया था आपसे कि अपोजिट पेयर का जो सम होता था, प्लेस वैल्यू का सम, मैंने बताया था क्या होता था, 27 होता था। देखो 27 होगा क्योंकि ये 26 पे पड़ता है और ये किस पे पड़ता है, एक पे पड़ता है, तो दोनों जोड़ दो 26 और एक 27। कोई भी अपोजिट पेयर उठा लो, कहीं से भी उठा लो, जैसे एफ यू के अपोजिट में है। इससे एग्जाम में अभी हाल में ही देखा गया है, काफी क्वेश्चन उठाया है। तो जब आपके सामने ये फिगर ऐसे बना होगा तो क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्ट देखते ही कहो गए अरे ये तो इसी पे बेस्ड है, तुरंत ही आप लगा लोगे। ठीक है, तो ये हो गया, इस अपोजिट पेयर के हो गए, ये मैंने आपको याद होना चाहिए और ये कोने में ये लिखा होना चाहिए। और साथ ही साथ जितना मैं लेक्चर करा रहा हूं, जब भी मैं बोलता हूं कि इसकी प्लेस वैल्यू ये है ये है, तो मेरे साथ तुम लोग भी बोलते रहो ताकि पता चले और आपको अभ्यास हो जाए और याद हो जाए वो प्लेस वैल्यू। ठीक, तो इसके आगे हम बढ़ते हैं, हम पहले टाइप के क्वेश्चन पे, जो हमने बताया था कि पहला जो हमारा है लेटर टू लेटर, लेटर टू लेटर वाले में हम बढ़ेंगे इसके फर्स्ट पोजीशन बेस्ड। ठीक है, लेटर टू लेटर में पोजीशन बेस्ड पे हम काम करेंगे आज। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो पोजीशन बेस्ड, कैसे पोजीशन में इंटरचेंज होता है उस पे हम क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे कि पोजीशन बेस्ड में कैसे कैसे पोजीशन को शिफ्ट किया जाता है। ठीक, चलो तो हम क्वेश्चन से बताएंगे आपको कि कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए ये क्वेश्चन है सिंपल सा, इसमें बोला है यदि रोम को कन्वर्ट कोड किया जाए MORE में, मोर में, तो बेयर का कोड क्या होगा। एक बात और ध्यान रखना कि जब भी ये पहले टाइप मैंने करा रहा हूं, मैं लेटर टू लेटर का पहला टाइप है पोजीशन बेस्ड। ठीक है, पोजीशन का इंटरचेंज होना इसी में आता है। तो पोजीशन बेस्ड में क्या होता है कि आपका कोई भी लेटर चेंज नहीं होगा। पहला दिमाग में ये याद रखना कि जितने लेटर यहां होंगे वही लेटर उसके कोडेड फॉर्म में होंगे। ठीक, तो इसमें आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि अगला कोई लेटर कितने पे गैप पे आया है, ये सब नहीं होगा। इसमें सिर्फ ये होगा कि उनकी पोजीशन चेंज होगी, जो लेटर इसमें होगा वही लेटर यहां होगा। तो आप पहचान सकते हो, जब भी आपके सामने क्वेश्चन पेपर में आए तो पहचान लोगे कि ये जो क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हो गया कभी भी, तो जान जाओगे कि ये क्वेश्चन कैसा है, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसे हमें क्या करना है, सिर्फ उसी से पोजीशन पे ही निकालना है। तो सिंपल सा है, ROME लिखा हुआ है, तो जब भी पोजीशन वाला बेस्ड आए तो आपको इसकी नंबरिंग करना है, वो प्लेस वैल्यू वाली नंबरिंग नहीं करना है। प्लेस वैल्यू वाली तब हम देखते हैं जब उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो, यहां तो वही लेटर है जो यहां पे यूज हुआ है। ठीक, तो इसे सिर्फ सिंबल नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3 और 4, चार लेटर है, चार लिख दिए यहां पे MORE, 1, 2, 3, 4। अब देख लेते हैं ये जो मोर कोड बना है ये कहां से कौन कौन सा आया। देखो ये 3 है, ये तीसरे नंबर का लेटर है, ये O कितने नंबर का है, 2 नंबर पे है, R कितने पे है, 1 पे है, यहां पे पहले नंबर का लेटर है, और E जो है 4th नंबर का लेटर है। मतलब लास्ट वाला चेंज नहीं हुआ, बाकी इनमें चेंज हुआ है। और चेंज कैसे हुआ, यहां से रिवर्स में 3, 2, 1 में, पता चल गया तुरंत कि ये जो है 3, 2, 1 में हुआ है, लास्ट वाला चेंज नहीं हुआ है।
तो हमें कोड किसका निकालना है, डेयर का कोड निकालना है। तो डेयर के कोड में हम जान जाए कि लास्ट वाला लेटर हमारा सेम रहेगा और ये जो होगा हमारा ऐसे रिवर्स में आएगा। तो रिवर्स में आएगा तो हम क्या करेंगे, आर ए और डी हो जाएगा हमारा। जैसे यहां से आर, यहां पे क्या आया था, एम ओ आर आया था, यहां से एम ओ आर आया था, यहां पे देखो वैसे ही हमारा आर ए और डी आएगा, क्योंकि ये हमारा कितने पे है, 3-2-1 सेम चलेगा, 3-2-1 और यहां पे ये आपका 4 होगा, 3-2-1-4। तो सेम जैसे ही यहां पे पोजीशन जो जो जिस पोजीशन पे है वही वही हमें करना है। तो हम देख लेते हैं कौन सा आएगा, आर ए डी ई, आर ए डी ई कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन डी जो है सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, बोला किसी कोड में संडे को, ठीक है, संडे को ये लिखा जाता है वाई ए डी एन यू एस, तो क्रिएशन को क्या लिखा जाएगा। इसमें भी सेम चीज लग रहा है, देखो यहां संडे है, जितने वर्ड इसमें यूज हुए हैं एस यू एन डी ए वाई वही वर्ड यहां भी यूज हुआ है, क्योंकि ये किस पे हम बात कर रहे हैं, पोजीशन बेस पे बात कर रहे हैं, और जब भी पोजीशन बेस की कोडिंग डिकोडिंग होती है तो सिर्फ पोजीशन में चेंज होता है, लेटर में कोई चेंज नहीं होता है, लेटर की जो पोजीशन होती है उसमें चेंज होता है। तो इसमें कैसे चेंज हुआ है, देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि यहां पे एस पहले है और यहां पे एस लास्ट में है, ठीक है इसका, और यहां पे वाई लास्ट में है और यहां पे वाई पहले है, ठीक। तो इससे ये पता चल गया कि ये वाई जो है आपका, ठीक है, पहले आया है, फिर यहां से ए आया है, फिर डी आया है, फिर एन आया है, फिर यू आया है, यहां एस आया है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इसकी पोजीशन लिख लो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक, और इसमें लिख लो ये किस पे है, 6 पे है, ये ए किस पे है, 5 पे है, ये 4 पे है, ये एन कितने पे है, 3 पे है, ये 3 पे है, ये 2 पे है, ये 1 पे है, मतलब पीछे से चला 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो वैसे ही आपको क्या करना है, इसकी भी नंबरिंग कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसकी भी पीछे से नंबरिंग कर दो, तो पहले वाला 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2, फिर 1, ठीक। ऐसे ही तुम लोग मोबाइल का पासवर्ड भी सेट करते हो, जो भी तुम्हारे पर्सनल होते हैं उनका क्या करते हो, लेटर में डिजिट में कोड कन्वर्ट कर देते हो उनके वर्ड का, ठीक। तो ऐसे ही ये भी यहां कोड है, क्या होता है यहां पे इनका जो है जो प्लेस है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये हो जाएगा 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो एन से शुरू होगा और एंड कहां पे होगा, सी पे होगा। देख लो ऑप्शन से ऐसा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, भाई देखो एक ही ऑप्शन मिल रहा है एन का सी से, तो यहां पे एन से स्टार्ट हो रहा है, सी से लास्ट हो रहा है, बाकी इस किसी में एन से स्टार्ट है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत, तो आपका बचा क्या, ये सही हो जाएगा, ठीक। तो ये ऐसे ही आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं आपके, किसके, टाइप वन के। मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, एक ही टाइप के कई आपके क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आपको अभ्यास हो जाए कि एक टाइप में कितने टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। नहीं तो मेरे लिए क्या, मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा एक कोडिंग डिकोडिंग की क्लास मैं सिर्फ 2 घंटे में पूरा का पूरा एक चैप्टर खत्म कर सकता हूं, बाकी आपको प्रैक्टिस करना हो तो आप कर सकते हो, मगर मैं आपको प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, इसके साथ साथ सीट भी दूंगा, उस पर भी प्रैक्टिस करोगे तो पूरा का पूरा जितने भी डिफरेंट टाइप होंगे अगर वो पोजीशन बेस्ड होगा तो कहीं आपसे एग्जाम में वो छूटेगा ही नहीं, तुरंत पकड़ भी लोगे कि ये पोजीशन बेस्ड पे क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पे बढ़ते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कारपेट को कोड किया गया है TCAPR में, नेशनल का कोड पूछ रहा है, यहां थोड़ा अलग है। अभी तक क्या था कि मैंने जैसे बता दिया आपको कि सबकी पोजीशन की नंबरिंग कर लो, और पोजीशन की नंबरिंग कर लो उसके बाद से देख लो कि कहां कैसे चेंज हुआ है। जैसे यहां पे अगर हम कहें तो आपसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये यहां देखते हैं टी किस पे है, 6 पे, सी किस पे है आपका 1 पे, ई किस पे है आपका 5 पे, ए किस पे है 2 पे, पी किस पे है 4 पे, और आर किस पे है 3 पे, ये कुछ ऐसा है। तो इसमें 6 लेटर थे तो इनका पोजीशन का रीअरेंजमेंट करके मैंने कर दिया इसका कोड, मगर यहां भी अगर 6 लेटर होता तो सेम वही हम
अपना लेते हैं, जैसा चल रहा था 6 1 5 2 4 3, मगर यहाँ लेटर 8 है तो हम जान नहीं पाएंगे कि 8 वाला पहले होगा, मतलब नंबर 8 वाला जो लेटर है वो पहले होगा कि 7 वाला होगा कि 6 वाला होगा, कौन सा पहले आएगा, क्योंकि इसमें 8 लेटर है इसमें 6 लेटर है। तो हम दूसरे तरह से सोचेंगे थोड़ा, वो दूसरे तरह से कैसे सोचेंगे आइए हम देखते हैं। सी ए आर पी ई टी लिखा हुआ है, इसके दूसरे 1 2 3 4 इनकी प्लेस, इनकी पोजीशन लिख देते हैं कि किस पोजीशन पे ये है, प्लेस वैल्यू नहीं पोजीशन, ठीक है। अब यहां हम देखते हैं कि पहले आया है टी, ठीक है, टी आया इसका मतलब 6 नंबर वाला, फिर एक ब्लैंक अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद ई आया है यहां पे, तो यहां आ गया ई, ई किस पे है 5 पे, उसके बाद एक ब्लैंक छोड़ दें तो उसके बाद आया है क्या आपका, ब्लैंक के बाद एक, एक के बाद पी आया है, तो पी मतलब 4 नंबर पोजीशन, मतलब ये जो हाफ है इसका हाफ करने के बाद टी ई और पी जो है एक एक के गैप पे अरेंज है, ये याद रख, ये मतलब कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। उसके बाद बाकी हाफ जो आपके बचे हैं, ठीक है, बाकी हाफ जो बचे हैं वो जो आपका प्लेस खाली है वहां पे होगा, जैसे यहां क्या है 3 2 और 1, तो यहां पे देखो क्या लिख रहा है 2 4 और 3 है, मतलब जो यहां आएगा आपका P के बाद R आया है 3 नंबर वाला, R आया है ना यहां पे देखो R, तो R किस पे 3 पे, मतलब यहां जो आएगा वो 3 आएगा और यहां पे जो आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि यहां 4 की जस्ट इधर क्या है 2 है और यहां पे क्या आएगा 1 आएगा, तो 3 पे क्या है आपका R है और यहां क्या है आपका A है और यहां क्या है आपका C है, तो यह अरेंज हुआ है, ठीक है। हाफ करके इस हाफ को एक एक के गैप पे रखा गया, इस हाफ को एक एक के उधर से गैप से रखा गया है, ठीक। तो वो देखते हैं हम, ऐसे ही हमारा नेशनल है एन ए टी आई ओ एन ए एल, नंबरिंग कर देते हैं इसकी 3 4 5 6 7 और 8, हाफ आप में इसको तोड़ देते हैं, यहां से तोड़ देंगे 4 4 में, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आपका पोर्शन आ जाएगा। तो पहले यहां से शुरू करेंगे लास्ट से इसके, क्योंकि ये भी लास्ट से हुआ था, जो यहां लास्ट था वो पहले आया था, तो लास्ट हमारा 8 नंबर वाला पहले आएगा, एक गैप छोड़ेंगे हम, 8 नंबर पे क्या आता है टी, तो एक गैप छोड़ेंगे, उसके बाद से हमारा 7 आएगा, 7 नंबर पे ए है हमारा, एक गैप छोड़ेंगे, उसके बाद हमारा 6 नंबर वाला आएगा एन है उस पे, एक गैप छोड़ेंगे तो उस पे हमारा क्या आएगा 5 नंबर वाला आएगा जो ओ है, और यहां पे एक गैप हो जाएगा। उसके बाद से जो बचा है आपका, जैसे यहां एक है, क्योंकि देखो यहां पे क्या आपसे शुरू हुआ था, यहां पे सी जो है पहला वाला था, फिर इस गैप में दूसरा वाला फिल हुआ, इस गैप में तीसरा वाला फिल हुआ, ऐसे ही हमारा जो गैप बच रहा है उसमें हम ये हाफ जो बचेगा उसे फिल करेंगे। तो यहां हमारा पहला क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, ठीक। उसके बाद से इस वाले गैप में हमारा क्या आ जाएगा दूसरा नंबर आ जाएगा ए आ जाएगा, इस वाले गैप में क्या आ जाएगा हमारा तीसरा नंबर आ जाएगा टी आ जाएगा, और इस वाले में क्या आ जाएगा हमारा आई आ जाएगा, चौथा वाला जो नंबर है हमारा। तो देख लेते हैं ये कहां है हमारा टी एन, यहां पे क्या था एल था, एल एन ए ए, एल एन से कौन सा शुरू हुआ, देखो भाई एक ये शुरू हुआ एक ये शुरू हुआ, ये अगर आपका नहीं होगा ऑप्शन ये नहीं होगा ऑप्शन, और दोनों में से उसके बाद एल एन डबल ए है तो यहां नहीं है, तो ये इसका आपका ऑप्शन कैंसिल हो गया, ऑप्शन से निगलेक्ट करो जल्दी हो जाता है आपका बचा क्या ये आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बोला एम ई ए टी को मीट को कोड किया गया है टीम में, तो बेल का कोड क्या होगा। इसमें भी कुछ अलग है, सिंपल सा है आसान सा, देखने से ही लग गया होगा है क्या। इसमें हुआ कि जो एम और टी की पोजिशन है, मतलब पहला लेटर और लास्ट लेटर, वो क्या हो गए हैं देखो चेंज हो गए, इंटरचेंज हो गए, अपना पोजीशन क्या कर दिए हैं चेंज कर दिए हैं, बाकी बीच वाला ई और ए जैसे है वैसे यहां भी है। तो इसमें ये मिल रहा है कि आपका पहला और लास्ट इंटरचेंज हो गए हैं, बाकी सेम है। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, एक बड़ा सा लेटर दिया हो जिसका सिर्फ पहला और लास्ट लेटर चेंज हो बाकी सेम हो, तो उसमें क्या समझ लेना कि वो भी सेम पोजीशन बेस्ड वाला ही कोडिंग डिकोडिंग है। तो आपसे पूछा है बी ए एल
ई का कोड क्या होगा, तो आप जान रहे हो कि इसका पोजीशन चेंज करना है, इंटरचेंज करना है, तो यहाँ आएगा ई और यहाँ आएगा बी, और बीच में ए और एल सेम रहेगा। देख लेते हैं कौन सा है ई और बी। ऑप्शन एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, बाकी तो ऑप्शन ही खत्म हो जाएंगे, और बीच वाला सेम होना चाहिए, तो बीच वाला सेम होना चाहिए, तो यहाँ देखो गड़बड़ है, उल्टा हो गया है, ये भी बीच वाला भी, ऐसे भी बनते हैं कोड, मगर हमें अभी ये नहीं चाहिए। तो ये भी आपका ऑप्शन खत्म, बचा क्या ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पांचवा, यदि किसी संकेतिक भाषा में कैट को एटीसी लिखा जाए, डियर को ईएआरडी लिखा जाए, तो सिंह को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां तीन वर्ड था, तो यहां 300 रेंज हुआ, यहां चार है, यहां आपसे पूछ भी रहा है चार से ही, इसीलिए दो दिया, क्योंकि यहां पहले तीन दिया फिर चार दिया, ताकि एक से आप ना पता लगा पाओ। अगर सिंपल आपने पास एक दिया है सी ए टी और लिख दिया इसे ए टी सी, तो आप इसकी अगर पोजीशन लिख लो एक दो तीन, तो ये किस पे है, दो पे है, और ये तीन पे है, और ये एक पे है, तो 2-3-1 अरेंज है। तो ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन पूछे तो इसका मतलब 2-3-1 पे होना चाहिए, मगर यहाँ तीन लेटर है, यहाँ चार है, इसका मतलब ये वाला नहीं होगा। इस टाइप से आपका शिफ्टिंग पोजिशन की नहीं होगी, किस टाइप से होगी उसे देख लेते हैं। सी ए टी है, कोड किया गया है ए टी सी पे। ठीक है, तो इसमें ये देखते हैं कि ए टी पहले उठाया गया है, ए और टी, और सी को बाद में रखा गया है, मतलब एक दो का ग्रुप उठाएगा। उसी तरह देख लेते हैं डी ई ए आर में, कि जो पहले लेटर को छोड़ के जो बचा है, पहले लेटर को छोड़ के जो बचा है उस लेटर को पहले रखा गया, तो एटी बचा था यहां पे, तो उसे पहले रख दिया गया। ठीक, और जो पहला लेटर था उसे लास्ट में कर दिया गया, ये दिखा लगाना है। तो इसमें भी अगर हम पहले लेटर को छोड़ दें, जो हमारा बचा हुआ लेटर है उसको पहले लिखें, तो क्या लिख सकते हैं ई ए आर, और लास्ट वाला जो हमारा पहला लेटर छोड़ दे उसको लास्ट में कर दें, तो ई ए आर डी हो जाएगा। देखो क्या वही बना है, हाँ वही बना, मतलब लॉजिक क्या लगा, यही लॉजिक लगा, बाकी और कोई नहीं लगा, यही लॉजिक लगा कि हम पहले वाले को छोड़ देते हैं, जो बचता है उसको पहले लिख ले, और जो हमारा पहला लेटर उसे लास्ट में कर दे। ठीक, तो उसी तरह से आपसे पूछा है सिंह का कोड SING क्या होगा, तो लॉजिक क्या है भाई, लॉजिक यह है कि हम पहले लेटर को हटा दें, जो हमारे तीन लेटर बच रहे हैं उसको पहले लिख दे ING, और जो एस को हम हटाए थे उसे लास्ट में जोड़ दें, तो INGS जो होगा इसका कोड होगा। देख लेते हैं कहां है भाई साहब, तो यहां है ऑप्शन ए में है ये, तो ये हमारा ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं इससे, जो पोजीशन बेस्ड होता है ना ये, तो कभी किसी से गलत नहीं होता है, अगर हो गया तो समझ लो छोड़ दो पढ़ाई लिखाई। कस्टम को कोड किया गया है UCTSMO में, पेरेंट का कोड पूछ रहा है आपसे क्या होगा। इसमें देखो इसे दो तरीके से कर सकते हो, जहां से आपका दिमाग पे क्लिक कर जाए। देख लो लेटर कितने इसमें, दो दो चार दो छह हैं, और छह ही लेटर का पूछा है, अगर ज्यादा होता तब तो वो आपका पोजीशन लिखने वाला काम नहीं करता, पता चले यहां छह है, यहां आठ है, चाहे दस है, चाहे बारह है, तो आपको दूसरा सोचना पड़ेगा, मगर यहां भी छह है और यहां भी छह है, तो यहां लिख लेते हैं चार पांच छह, और इसे देख लेते हैं कि कैसे कौन सा ये लेटर किस पोजीशन का लेटर है, कहां पे आया हुआ है, तो यू कहां पे है, दूसरे नंबर का है, सी कितने नंबर का है, पहले नंबर का है, टी किस पे है, फोर पे है, एस किस पे है, थ्री पे है, एम किस पे है, सिक्स पे है, और ओ किस पे है आपका, फाइव पे है। तो जैसे इसमें हुआ वैसे हमें करना है, जैसे लिखा पेरेंट, ठीक, तो इसे भी कर लेते हैं, पोजीशन दे देते हैं एक दो तीन चार पांच और छह, तो जैसे यहां पे लिखा है कि दो एक चार तीन छह और पांच वाला आना चाहिए, तो हम देख ले दूसरे नंबर पे क्या हमारा ए है, तो ए यहां आ जाएगा, पहले नंबर पे क्या हमारा पी है, वो यहां आ जाएगा, और चौथे नंबर पे क्या हमारा ई है, तो यहां ई आ गया, और यहां पे क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, तो वैसे ही ये क्रॉस वाला चल रहा है, दो दो का लेके क्या चल रहा है, क्रॉस चल रहा है, यहां टी आ जाएगा और यहां पे हमारा क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए पी ई आर
TN, मतलब दो दो का पेयर करके क्रॉस कर दिया गया है, सिंपल सी बात है, दो दो का पेयर करके क्रॉस कर दिया गया है, तो A से शुरू होना चाहिए हमारा ऑप्शन, तो A से शुरू होना चाहिए, तो पहले ये खत्म हो गया ऑप्शन, B खत्म हो गया, C खत्म हो गया, A से यही ऑप्शन शुरू है, D इतना तेज होना चाहिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, पहले आपको देख लो कि ये वाला पहले आया है, तो ये ऐसा है ऑप्शन सेट होके आ जाए एग्जाम में, तो इसमें ये भी सब करने की जरूरत नहीं है, यहां देखें कि ये वाला पहले आ गया, तो तुम भी यहां देखो कि ये पहले आना चाहिए, ये किस पहले में ऑप्शन आया है, ऑप्शन डी में आया, तुरंत मार दो, बढ़ जाओ आगे, ठीक, क्योंकि और कोई ऑप्शन मैच ही नहीं खा रहा है। अगले क्वेश्चन में दौड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम को कोड किया गया है SYSMET, ऐसा ये बना ही है, नियरर को कोड किया गया AENRER में, पहले वाला अगर दिया रहता और ये दिया होता तो आप सोचते कि सर जो इसका हाफ है SYS वो चेंज नहीं हुआ इसमें, और MET जो है वो चेंज हो गया है, ठीक, अगर ये नहीं दिया होता, आपके क्वेश्चन में ये पार्ट नहीं दिया होता तो आप यही सोचते, और तब आपसे ही पूछता कि FACTION का क्या होगा, तो आप कहते कि सर इसमें भी हम हाफ करेंगे तो इसका हाफ वाला चेंज नहीं करेंगे, आधा हाफ वाला चेंज करेंगे, तो इसमें हाफ वाला अगर हम चेंज नहीं करते, इसमें कितने लेटर हैं आपके भाई, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर हैं टोटल, तो 7 लेटर में आपका क्या होगा, यहां से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आपका सी होगा, यहां ION होगा, ठीक, तो इसमें क्या करो, कहोगे हाफ वाला नहीं चेंज हुआ, आधा हाफ वाला चेंज हुआ, उसको चेंज कर दोगे, तो आपका आंसर गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए यहां पे 2 दिया है, क्योंकि देखो यहां जो वर्ड SYS दिया है, इसका अगर SYS को उल्टा भी लिखोगे तो SYS ही आएगा, ठीक, तो ये ना सोचना कि सर SYS, यहां SYS चेंज नहीं हुआ है, ये हुआ है मगर आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि SYS को चेंज करोगे तो SYS ही आएगा, तो यही है, देखो SYSTEM लिखा हुआ है, कितने लेटर हैं इसमें आपके, 6 लेटर हैं, तो ये SYS हो गया, इधर से लिखा गया Y और S, इसमें हो जाएगा ME और T, MET सेम है, वैसे देख लेते हैं क्या इसमें भी सेम है, NEARER नियरर लिखा क्या है इसको, AENRER, इसमें भी देख लेते हैं कितने लेटर हैं, 3 और 3 6, यहां से हम स्प्लिट कर दें इसे, तो यहां से AEN रिवर्स में लिखा है, देखो AEN वाला, यहां A जो यहां लास्ट में है वो पहले आया, फिर E फिर N, उसी तरह RER हो गया इसका, पूछा आपसे क्या है FACTION फैक्शन का पूछा है, तो इसमें क्या होगा कि आपका टोटल कितना है, ये फ्रैक्शन होगा FRA, ठीक है, ऐसे होगा तो ये नहीं हो पाएगा, उस पर फ्रैक्शन होगा, यहां पे R छूटा है क्योंकि देखो सब में R आ रहा है, ठीक, तो यहां फ्रैक्शन होगा, ये लिखा FRACTION, टोटल 8 लेटर होंगे तभी हम हाफ में स्प्लिट करेंगे और दोनों को चेंज करेंगे, तो ये फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन में अब इसे हम चेंज करें तो 4 इधर हो जाएंगे और 4 आपके इधर हो जाएंगे, अब इस चारों में पहले आएगा सी, फिर ए, फिर आर, फिर एफ, यहां से, और इसमें क्या आ जाएगा, इसके हाफ में NOIT, तो देख लेते हैं कहां है, सी और लास्ट टी से खत्म होना चाहिए, तो देखो सी से शुरू हुआ, टी से खत्म हुआ, एक ये हो गया, बाकी और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक, CARFNOIT, तो ये हो गया, इसे सही कर लेना, यहां पे F के बाद R होगा, पूरा ये फ्रैक्शन लिखा है, तभी हाफ हाफ में डिवाइड होगा और आधे आधे का कन्वर्जन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कैलेंडर को कोड किया गया है फिर CLANANAEDR में, मतलब इसका जो पहला लेटर है यहां देख रहे हो वो चेंज नहीं हुआ है और लास्ट वाला भी लेटर चेंज नहीं हुआ है, यहां से क्लू आपको मिल जाएगा, पोजीशन में जो आपका पहला और लास्ट लेटर है वो चेंज नहीं हुआ, ये भी उसी के अंतर्गत आता है, ठीक, उसके बाद से जितने आपके लेटर हैं LANAED इसमें क्या चेंज हुआ है, देखो यहां पे AL साथ में है और यहां पे भी AL साथ में है, बस चेंज क्या हुआ है कि पोजीशन इनकी शिफ्ट कर गई है, कि जो पहले L की पोजीशन थी
वो अब यहां आ गया है और एक यहां चला गया है, यहां चला गया है। वैसे ही एन यहां आ गया है और ए कहां चला गया, यहां। ई यहां आ गया है और डी कहां चला गया, यहां। ठीक, ये हुआ है। मतलब पहला और लास्ट हमारा जो लेटर है वो फिक्स है, बीच वाले जितने हैं वो क्या किए हैं, अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लिए हैं, दो दो का पेयर बना के। भाई तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी आई आर सी यू एल ए आर, सर्कुलर का क्या होगा, लास्ट के दोनों फिक्स होंगे। देख लो, हो सकता है यहीं से आंसर पता चल जाए। सी और आर फिक्स होना चाहिए। कौन से में है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, जिसमें सी और आर एक ही है आपका। देखो ये भी नहीं है, क्योंकि सी और आर फिक्स होना चाहिए। सी लास्ट में आर इसमें भी नहीं है, लास्ट में इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन आपका बी राइट होगा, बिना किया आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है कि सौ ऑप्शन ऐसा सेट किया गया है कि आप जान रहे हो पहला और लास्ट लेटर फिक्स होना चाहिए, और यहां पे आप जब देखे हो तो लास्ट लेटर में आर आ ही नहीं रहा, सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़ के। तो हमारा यही आंसर होगा। बीच में क्या होगा भाई, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, आर हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, यूसी हो जाएगा, और ये दोनों चेंज हो जाएंगे तो एल हो जाएंगे। तो देख लो, आर आई यूसी और एल, तो आपका आंसर यही होगा। पहले ही मैंने बता दिया था, क्योंकि सिर्फ इसी से अंदाजा लग गया था, पहले लेटर से और लास्ट लेटर से ही आपको। ठीक, तो ये कुछ होते हैं कि आपके कभी कभी एग्जाम में, ये पहले होता था मगर आजकल के एग्जाम में ये ना सोचो कि ऐसे ऑप्शन सेट होगा। अब सेट होगा ऑप्शन तो सेम हू बहु सेम, यहां पे भी वही लिखा रहेगा, आई यू सी ए एल आर। ठीक, सी और आर सेम रहेगा, बीच में इधर उधर कहीं चेंज कर देगा एक दो लेटर, बाकी आपको चारों ऑप्शन में ऐसा लगेगा कि नहीं। ये पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे जहां क्या होता था, एक ही ऑप्शन में ऐसा सेट ही आता था, अब ऐसा नहीं आता है। चलो अब देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, बाकी नहीं आता। एन यू आर ओ टी आई सी को कोड किया गया है, टी आई सी आर ओ यानी ई में, उसके बाद से आपको इसका कोड पूछ रहा है पी एस वाई सी एच ओ टी आई सी से। इसमें क्या चल रहा है देख लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या पोजीशन में चेंज हुआ है। एन ई यू आर ओ टी आई सी, और यहां पे जो आपका कोड है टी आई सी आर ओ एन ई यू, जैसे लिखे वैसे पता चल गया कि यहां जो टी आई सी हमें दिख रहा है भाई, वो टी आई सी तीन के ग्रुपिंग में यहां आ गया है। चेंज की शिफ्ट होता है, सिर्फ पोजीशन शिफ्ट होता है लेटरों का। यहां पे जो मैं पहले टाइप का लेटर टू लेटर का जो पोजीशन वाला पढ़ा रहा हूं, इसमें सिर्फ आपका जितने लेटर इसमें होंगे उतने ही लेटर इसमें होंगे, यही उसकी पहचान है। तो जो ये टी आई सी का एक ग्रुप बना वो पहले आ गया, आर ओ का एक ग्रुप है वो आर ओ यहां हो गया, एन ई यू है जो ये तीन लेटर का ग्रुप वो कहां आ गया, यहां आ गया। ठीक, तो ये कोडिंग हुई है इसकी। देख ले आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, पी एस वाई सी एच ओ टी आई सी, तीन तीन का इसमें कर ले, इसका क्या होगा, पहला तीन वाला आगे आ जाएगा लास्ट का तीन वाला, तो टी आई सी से शुरू होना चाहिए और एंड किससे होना चाहिए भाई, पहले का तीन जो होगा वो एंड में होगा पी एस वाई। तो देख लो ऑप्शन में कि टी आई सी से शुरू होना चाहिए और पी एस वाई से एंड होना चाहिए, तो टी आई सी से ये भी शुरू हो रहा है, पी एस वाई से ये भी एंड हो रहा है, टी आई सी से ये भी शुरू हो रहा है और पी एस वाई से ये भी एंड हो रहा है, ये भी हो रहा है, और यहां पे भी आपका हो रहा है, और यहां पे भी आपका सेम हो रहा है। यहां क्या है आपका सी एच ओ, ठीक है, सी एच ओ बचा है, तो यहां देखिए आर ओ जो था सेम बीच वाला आर ओ ही लिखा था, तो वो अब यहां देखो ऑप्शन आ गया कि वो इससे नहीं कर सकते कि यहां टी आई सी मिल गया, यहां पी एस वाई मिल गया, तो हम आंसर मार दें, क्योंकि देखो टी आई सी और पी एस वाई इसमें भी मिल रहा है, 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 तो बीच वाले से ही कंफर्म होगा कि जहां सी एच ओ हूबहू लिखा हो, ठीक है, जहां सी एच ओ हूबहू लिखा हो वही हमारा आंसर होगा। तो यहां देखो ओ सी एच लिखा है तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, यहां सी एच ओ लिखा है ये मिल गया, यहां देखो सी ओ एच लिखा है तो ये आंसर नहीं होगा हमारा, यहां क्या लिखा आपका एच सी ओ लिखा है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है आपका
कि ये दिसंबर है, इसे कोड किया गया है ERMBCEDE में। इसमें क्या है कि जब इसकी आप प्लेस वैल्यू लिख लोगे, प्लेस वैल्यू मतलब पोजीशन वैल्यू, एक यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और यहाँ पे क्या होगा, ठीक, क्योंकि इसमें अब दिक्कत होगी, ये ई है, यहाँ ई है, यहाँ ई है, 3, कैसे पता करोगे कौन सा ई यहाँ पहले आया है? भाई इतने ई में है, आप कैसे पता करोगे कि कौन सा ई पहले आया है? तो इसका मतलब तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कौन सा ई है, 7 वाला है या 2 वाला है या आपका 4 वाला है, ये जो पहले शुरुआत हुआ है। जैसे कर दोगे वैसे क्वेश्चन का आंसर गलत आने लगेगा, क्योंकि उसी बेस पे तुम्हें इसे भी करना होगा, ठीक, तो उस हिसाब से करने होगा तो ये गलत हो सकता है। तो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या हुआ होगा। जैसे देखो डी और ई साथ में आया है और यहां पे भी डी और ई साथ में आया है, हुआ क्या है, सिर्फ चेंज हो गया, डी और यहां चला गया आपका, डी और ई यहां है, यहां सी और ई है, देखो सी और ई आया है, उसके बाद एम और बी आया है, एम बी आया है, ई आर आया है, ई आर आया है, मतलब एक एक ग्रुपिंग में आया। जैसे हम ग्रुपिंग उठाए तो ई आर की जो ग्रुप है 7, 8 वो यहां है, 7 और 8 लिख लो। एम बी का जो ग्रुप है, एम बी का क्या है, 5, 6 वो यहां है, ठीक। सी और ई का जो ग्रुप है वो कौन सा है, 3 और 4 हो गया, और डी और ई का जो ग्रुप है वो 1 और 2 हो गया, ऐसे 7, 8, 5, 6, 3, 4, 1, 2। तो वैसे ही आपको नवंबर का पूछा है, NOVEMBER, नंबरिंग कर दो, इसके पोजीशन लिख दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8। प्लेस वैल्यू और पोजीशन में कंफ्यूज ना होना, अभी मैं सिर्फ नंबर लिख रहा हूं कि कितने इसमें डिजिट हैं उनकी प्लेस लिख रहा हूं, ठीक। तो आपको करना क्या है इसमें, कि जैसे लास्ट के दो ग्रुप 7 और 8 उठ के पहले आए तो आपको 7 और 8 पहले करना है, जैसे हो, फिर 5, 6 करना है, फिर 3, 4 करना है, फिर 1, 2 करना है। तो 7, 8 क्या है, ई और आर है, 5 और 6 क्या है, एम और बी है, 3, 4 क्या है आपका, वी और ई है, ठीक, 3 और 4, और 1 और 2 क्या है आपका, एन और ओ है। तो देख लो भाई, शुरुआत कहां से होना चाहिए, ई से, और अंत कहां से होना चाहिए, ओ से। देख लेते हैं ई और ओ से अंत कौन सा शुरू हो रहा है, यहां देखो ये तो पहले ऑप्शन में नहीं होगा, यहां ई दिख रहा है, यहां ओ दिख रहा है, मगर लेटर कितने हैं, 1, 2, 2, 4, 2, 6 साथ ही लेटर है, तो ये नहीं होगा, 8 लेटर का चाहिए। यहां ई से शुरू हो रहा है, ओ से एंड हो रहा है, यहां ई से शुरू हो रहा है, ओ से एंड हो रहा है, तो 2 हमें ऐसा ऑप्शन मिला। तो 2 में हम देख लेते हैं कि ई आर के बाद हमारा क्या हो रहा है, यहां पे एम बी आ रहा है, तो एम बी किस में आ रहा है, इसमें एम ए आ रहा है, एम ए की जरूरत है ही नहीं, तो ये ऑप्शन खत्म, हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर पे देखते हैं, बोला है टीचिंग को कोड किया गया है चीटिंग में, ग्रेडियंट का कोड पूछ रहा है आपसे क्या होगा। तो पहले चल क्या रहा है इसमें देख लो, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसे, इसकी नंबरिंग कर लो, पोजीशन लिख लो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहां लिख लो जैसे जैसे यहां पे हुआ है, सी कितने पे है, 4 पे है, ठीक, और उसके बाद आपका सी 4 पे है, एच किस पे है, 5 पे, ई और ए 2 और 3 पे है भाई, टी किस पे है, 1 पे, आई किस पे है, 6 पे, ठीक, और एन और जी लास्ट का 7 और 8 पे है, यही होना चाहिए, यही आपका ग्रेडियंट में चलना चाहिए कि ग्रेडियंट में क्या होगा। तो ग्रेडियंट में क्या होगा कि आपका जो लास्ट का टी है वो सेम रहेगा, और आपका जो लास्ट का टी सेम रहेगा, और जो पहला लेटर होगा यहां पे, जो लास्ट वाला था यहां पे सी था चौथा नंबर, वो पहले पे आया था, तो इसका चौथा नंबर क्या होगा, 1, 2, 3, 4 डी, तो डी होना चाहिए पहले पे, और लास्ट क्या होना चाहिए, टी से होना चाहिए। तो डी और टी ऑप्शन ये, और ये इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो डी और टी। उसके बाद यहां देखो 4 और 5 2 है, तो 5 पे क्या आना चाहिए, 5 पे आई होना चाहिए, उसके बाद 2 है,
तो दो पे क्या होना चाहिए, आर ए, तो डी आई आर ए जहां मिल जाए, डी आई आर ए यहां मिला, डी आई ए मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, देख लो सही से, तो डी आई आर ए मिल गया यहां पे, मतलब ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में, चाहे भाषिक कोड में अलग अलग लैंग्वेज लिखा रहता है, फैशन को FOIHSAN लिखा जाता है, तो प्रॉब्लम को क्या लिखा जाएगा। तो पहले तो ये लिख लो, जब तक लिखोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि इसमें हुआ क्या है, क्योंकि F तो सेम है और लास्ट का लेटर भी आपका क्या है, सेम है। कहां चेंज हुआ है, बीच में चेंज हुआ है। बीच में कैसे चेंज हुआ है, जब लिख लोगे तो पता चल जाएगा, यहां A है, यहां S है, मतलब ये जो है इधर से शुरू हो रहा है, A S H I O, मतलब ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां बीच में ही हो गया, यस यहां, ए यहां, और ये आपका सेम रहा। तो सेम रहा तो आपका कोड किससे बनाना है, प्रॉब्लम से बनाना है। ऊपर करते हैं, प्रॉब्लम क्या क्या सेम रहेगा, प्रॉब्लम में आपका पी जो होगा सेम होगा, एम जो होगा वो सेम होगा, देख लो पी और एम सब में होगा, हमें लग रहा है एक ही ऑप्शन ऐसा है जो नहा है, बाकी P और M सेम मिल रहा है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें R मिल रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका खत्म हो जाएगा। दो ऑप्शन से आंसर निकालना है, तो देख लेते हैं ये क्या होगा, आपका यहां से शुरू होगा, क्योंकि O जैसे यहां आया था यहां पे E आएगा, यहां L आएगा, ये B सेम रहेगा, तो ई एल बी आना चाहिए, ई एल बी कहां भाई, दो ही ऑप्शन में है तो इसमें है ही नहीं, तो ये खत्म हो गया, आपका बचा गया पी ई एल बी, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, यदि किसी भाषिक कोड में रोज को, ठीक है, टी क्यू यू जी में बदला जाए तो ब्लू को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब यहां जो है आपको मिला है वो नया मिला है, नया क्यों मिला है? देखो रोज में जितने लेटर हैं वही सेम लेटर यहां नहीं है। ठीक, अभी तक जितने क्वेश्चन तुमने किया तो वहां पे क्या होता था, जितने लेटर यहां होते थे उतने ही लेटर उसके कोडेड फॉर्म में होते थे, मगर यहां ये 13 नंबर क्वेश्चन है, यहां पे जो आपके लेटर है वो लेटर यहां पे नहीं है, इसका मतलब इसमें कुछ चेंज हुआ है, यही आपका दूसरा टाइप है जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसे हम बता दे रहे हैं कि ये कैसे होगा, बाकी इससे रिलेटेड और क्वेश्चन कि इसमें कैसे कैसे चेंज होता है, इसमें मिक्स सीरीज चलती है, माइनस की सीरीज चलती है, प्लस की सीरीज चलती है, तो वो मैं बता दे रहा हूं ये कैसे हुआ। देखो क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन किए तो जितना आर ओ एस ई जो है वही यूज करके यहां पे लिखा जाता था, मगर यहां चेंज हो गया है, तो आर ओ एस ई को कोड कर दिया गया टी क्यू यू जी में। एक सिंपल सा एक उदाहरण है जो ये हमारा अगला टाइप है उसके लिए, R से T, अब यहां आपको प्लेस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी ना कि पोजीशन वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो जो मैंने आपको प्लेस वैल्यू बताया था कि A A1 पे होता है, A जो है 1 पे होता है, B 2 पे होता है, वैसे ही R कितने पे होता है, 18, ये 15, ये 19, ये 5, और यहां पे क्या होता है, ये T है तो ये 20 पे, ये 17 पे, ये 21 पे, ये 7 पे, तो 18 से 20 कितना का प्लस हुआ भाई, 2 का, 15 से 17 कितने का प्लस हुआ, 2 का, एस से यू 19 से 20 21 प्लस 2 का, और यहां भी प्लस 2 का, तो सब में प्लस 2 कांस्टेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि अब ये हम बढ़ने वाले सीरीज में आ गए हैं, ये हमारी दूसरी टाइप है, तो दूसरे टाइप वाले में हमें पूछ रहा है कि ब्लू का कोड क्या होगा, तो ब्लू में इसका प्लेस वैल्यू लिख दो, प्लेस वैल्यू मतलब किस पोजिशन पे आता है, 2 पे आता है, अल्फाबेट्स में कौन से पोजिशन पे आता है, 2 नंबर पे आता है, ये 12 पे आता है, ये 21 पे आता है, और ये 5 पे आता है, तो अब इसमें अगर हम 2 ऐड कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पे आ जाएगा, तो 4 पे डी होगा, इसमें 2 ऐड करें तो 14 आएगा, 14 पे क्या होता है, एन होता है, 21 में 2 ऐड कर दें 23 होगा, 23 पे क्या होता है, डब्ल्यू होता है, 5 में 2 ऐड कर दें तो 7 आएगा, 7 पे क्या होता है, जी होगा, तो डी एन डब्ल्यू जी किसमें आ रहा है, ऑप्शन ए पे आ रहा है, हमारा सेटिस्फाई करेगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग अगले अपने सेक्शन में देखेंगे, सेशन में देखेंगे कि हम उसमें
जो है या पूरा का पूरा टाइप टू पढ़ेंगे। अभी तक हमने टाइप वन में पोजीशन का चेंज पढ़ा, अब हम उसमें पोजीशन में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देखेंगे। ठीक, तो ये आपका पूरा का पूरा अगले सेशन में होगा। उससे जाने से पहले ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन, जो पिछली बार लेक्चर में जैसे दिया था वैसे ही ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आज जो मैंने टाइप वन पढ़ाया है चेंज इन पोजीशन में, उसी से रिलेटेड है। और इसमें हमारे जो चैनल का नाम है उसको आपको कोड करके उसका निकालना है। जैसे मैंने बताया है आपको कि होम रूल को कोड किया गया है OLERUMEH में, तो आपको बताना है परीक्षा प्लस का कोड। ठीक है, परीक्षा प्लस का कोड क्या होगा। ठीक, जो लॉजिक इसमें लगी देखो है उसी पे क्वेश्चन, जिनके जितने लेटर यहां यूज हुए हैं वहीं पे यहां पे भी जो लेटर हैं सेम वही लेटर यूज हुए हैं। ठीक, तो आपको पोजीशन चेंज ही हुआ है, वही लॉजिक लगाना जो मैंने आज के लेक्चर में आपको पढ़ाया है, उसी लॉजिक से ये परीक्षा प्लस का कोड आपको बताना है। सभी को इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं सेशन को समाप्त करता हूं, फिर अगले सेशन में हम मिलेंगे टाइप टू को लेकर। धन्यवाद।